आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा सत्र शुरू होते ही आज विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला करते हुए जंगल राज तक कह दिया, तो विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या कुछ हुआ सदन में आपको बताएंगे। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायकों ने भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर पोस्टर लहराया और धरना प्रदर्शन किया। वहीं विधानसभा के अंदर सत्र शुरू होते ही विरोधी दल ने मंत्री इजराइल मंसूरी पर FIR और मंत्री सुरेंद्र यादव द्वारा भारत के सैनिकों का अपमान करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेना का अपमान देश का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वहीं छपरा मामले में नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि FIR में अब तक आरोपियों का नाम शामिल नहीं किया गया है। बार बार हंगामा को देखते हुए सदन के कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं हुए। आसन द्वारा बार बार आग्रह करने के बाद भी हंगामा होता रहा। इसी बीच बीजेपी के विधायकों ने आसन की ओर उंगली दिखाई। उंगली दिखाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज की, पोस्टर लहराए गए। पोस्टर लहराने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। क्या कुछ हुआ बिहार विधानसभा के अंदर, आइए आपको दिखाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार के एक माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी सेना की वीरता पर हमला कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए या नहीं तो कार्रवाई हो। और जब इस पर विशेष बहस 98 नियम के तहत कराना चाहिए, इसकी पहली कार्य स्थगन में प्राथमिकता में लेनी चाहिए। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब प्रश्नोत्तर काल होगा। नहीं नहीं, आप प्रश्नोत्तर काल होंगे। श्री तारकिशोर प्रसाद मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग। नहीं नहीं, आप नेता महोदय, आपने आपका मैंने सुन लिया। प्रश्नोत्तर काल तो होने दीजिए। आप दीजिए, जवाब दीजिए। मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग के सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें, फील्ड में न आवे, स्थान ग्रहण करें। अब संसदीय कार्य मंत्री कुछ आप लोगों को अपना विचार व्यक्त करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुनिए ना भाई, जवाब तो दिलवा रहे हैं। अरे कहाँ आवाज दबाया, जितना कहना था कह लिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, ऐसे तो कार्य स्थगन सूचनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार पूरे तरीके से आपके साथ है और उस पर समय पर आप निर्णय भी लेंगे, लेकिन इन दो मुद्दों की बात दो मंत्रियों से जोड़कर बताई जा रही है। एक पहली बात, किसी का नाम FIR में शामिल किया जाए, ये इस पर सदन में क्या बात करेगा। कोई आम नागरिक का भी नाम FIR में दे दिया जाए, ये बात सदन में तय होता है। और दूसरी बात, जो माननीय सदस्य की बात कही जा रही है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि सेना का अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, न है न रहेगी।
अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सेना के विरुद्ध कोई कहने का मेरा तात्पर्य नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। तो देखा आपने, बजट सत्र के दौरान विपक्ष जमकर सरकार पर हमलावर रहा, बार बार कहने के बाद भी विपक्ष मानने को नहीं तैयार है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, एक बात और कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।